सम्मानित प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी शाली के बाबा नगरी में उनका बहुत समाज के हर राजेश ठाकुर जिंदाबाद बादल पत्र लाख जिंदाबाद बहुत अच्छा काम कर रहे हो बिजली डिपार्टमेंट। आज हमारे सम्मानित प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी बाबा नगरी में उनका बहुत बहुत स्वागत है और वह ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस और ज़्यादा मजबूती के साथ झारखंड में उभरेगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। कुछ दिनों से जो इनका काम करने का शैली और तरीका है कहा काफ़ी बेहतरीन है, प्रभावित है, कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं, कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह भर चुका है और हम लोग बहुत जल्दी और मजबूती के साथ झारखंड में पहली बार दौरा है, देवघर खास करके आए हुए हैं, तो किस तरह देख रही है कांग्रेस कार्यकर्ता? आशा भरी तो निगाह है ही, लेकिन हमारे झारखंड के कृषि मंत्री आदरणीय बादल पत्रलेख जी यहाँ के स्थानीय विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं, हम लोग के भाई भी हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिलता है। और अविनाश पांडे जी जो संगठन के आदमी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी इन पर विश्वास किया और इनको यहाँ प्रभारी बनाया है, तो ये काफ़ी एनर्जेटिक आदमी है और काफ़ी ग्रासफुल बात करते हैं ताकि हम लोग उत्साह के साथ काम कर सके। टेक्निक बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, गरीबों को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, कांग्रेस में कैसे लोग जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़ना है, सारे चीज़ हमें ग्रास रूट पर बताते हैं। और कल दुमका में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसी के दरमियान ये अभी हजारीबाग से करके आ रहे हैं, कल बाबा का दर्शन करेंगे और सुबह कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद फिर अपना बादल जी हमारे मुन्ना भाई और यहाँ के सभी स्थानीय हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर में आज दर्शन प्राप्त हुए, झारखंड की और देश की खुशहाली के लिए और हमारे सभी समाज के हर व्यक्तियों के लिए खुशहाली की मैंने कामना करता हूँ। और आज जो हमारे विदेश में हमारे भाई लोग जो फंसे हुए हैं, जो बच्चे वहाँ पर घर आने के लिए तरस रहे हैं, उन सब की सुरक्षा और सुरक्षित वो घर आ जाए। सर, प्रभारी बनने के बाद पहली बार देखा दौरा हुआ है, संगठन में बदलाव की मांग हो रही है, इस बारे में आज कल्यूनर चर्चा किया। ये हमारा धार्मिक स्थल है, बाबा का आशीर्वाद लेने हम आए हैं
यही कामना करता हूँ कि जिस मिशन पर हम निकले हैं संगठन के मंच सशक्तिकरण के लिए माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, तो ईश्वर हमें सफल बनाए और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार को बल, शक्ति और ताकत दे कि आज जो जन विरोधी ताकतों से हम मुकाबला कर रहे हैं उसमें हमें सफलता। हमारे प्रभारी काशीनाथ पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे दुमका में। इसी के दौरान हम लोग बाबा का आशीर्वाद लेने बाबा मंदिर आए थे, साथ में आदरणीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी भी थे।